त्रिकोणासन। आ आसन ने एटला माटे आ नाम आपवामां आव्युं छे कारण के आ आसन करती वखते अपना शरीर ना अंगो एटले के हाथ पग अने करोड़रज्जु त्रिकोण जेवा आकारनी रचना करे छे। आ आसन करवा माटे कृपा करी सीधा उभा रहो, आपना पग आरामदायक स्थिति में रहे तेटला पोळा करो, आपना हाथ धीमे धीमे ऊंचा करो जेथी ते आपना बन्ने खभाने समांतर रहे। आपना हाथ सीधा अने समतल रहे एटले के एक बीजाथी ऊपर अथवा नीचे नहीं अने आगळ के पाछळ पण न रहे ते सुनिश्चित करो। आपना डाबा पगने सीधो राखी आपना जमणा पगने 90 अंशना खूणे वाळो। लांबो अने ऊंडो श्वास लो अने हवे श्वास छोड़ी धीमे धीमे आपना शरीर ने नितंब पासे थी जमणी तरफ वाळो। आपना जमणा हाथ वडे आपना जमणा पगनी घूंटीने स्पर्शवानो प्रयत्न करो अने आपना डाबा हाथने ऊपर आकाश तरफ उठाओ। आपना माथी केटलाकने घूंटीने स्पर्शवू खूब ज मुश्किल लागी शके छे। आ किस्सामां आपना हाथने आप आरामदायक रीते जेटलो लंबावी शकता हो तेटलो लंबावो। आ स्थितिमां थोड़ी वार शिथिल रहो, सामान्य रीते श्वास लो अने बहार छोड़ो। आपना संपूर्ण शरीर ने आरामदायक स्थिति में अनुभवो। धीमे धीमे श्वास लई पाछा सीधी स्थिति में आवी जाओ अने आपना जमणा पग ने सीधो करी दो। त्यार बाद आपना डाबा पग ने बाहर काढ़ो अने आज आसन नू आपनी डाबी बाजुए पुनरावर्तन करो। आ आसन खूब ज सरल अने उपयोगी छे। તે નિતમના સ્નાયુઓને સુદૃઢ બનાવે છે અને સપાટ પગની સમસ્યાને ઉદ્ભવતી અટકાવે છે। તે આપની જાંઘો, ખભા, છાતી અને કરોડરજ્જુને સુદૃઢ અને લવચીક બનાવે છે। પરંતુ જો આપને ગરદન કે પીઠમાં કોઈ ઈજા થયેલી હોય અથવા તો આપ સ્લીપ ડિસ્ક કે સાયટિકાથી પીડાઈ રહ્યા હો તો આ આસન કરશો નહીં। આપ જ્યારે લાંબા અને ઊંડા શ્વાસ લો છો અને બહાર કાઢો છો ત્યારે તે આપના મનને શાંતિ અને આરામ બક્ષે છે તથા આપને તણાવ મુક્ત રાખે છે।